आप जो इतनी देर से इतनी गर्मी में आप सब बैठे हैं, इससे मैं समझ गया कि आपने मन बना लिया है कि आने वाले लोकसभा आम चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप हाथी को हरियाणा से दिल्ली भेजने का काम करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले मैं हमारे यहाँ आज सभी बड़े बुजुर्ग और हमारी माताएं बहनें जो इतनी बड़ी संख्या में इस समीक्षा की रिव्यू मीटिंग में शामिल हुए हैं, तो आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और हमारे जवान साथी, युवा साथी जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए और इस कैडर कैंप में शामिल होने के लिए दूर दूर से चलकर आए हैं, तो एक बार जोरदार ताली हमारे सभी युवा साथियों के लिए। आज आप सबके बीच में आकर आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अपने आप को एक खुशनसीब व्यक्ति मानता हूं कि मेरे को आप जैसे साथी लोग मिले इस मूवमेंट और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। आज हिसार और सिरसा जिले की सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्ग के साथ साथ यहाँ मौजूद सभी युवा साथियों का जो यहाँ की इस कमेटी समीक्षा कम बीएसपी की कैडर मीटिंग में शामिल हुए, तो आप सभी का स्वागत। साथ ही साथ आज यहाँ मंच पे मौजूद हमारे सभी छोटे बड़े पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता गणों का मैं तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि बसपा को बने 39 साल हो चुके हैं और इन 39 सालों में हमारी पार्टी के संस्थापक परम पूज्य मान्यवर साहब श्री काशीराम जी और एक छोटे से परिवार में जन्मी दिल्ली की गलियों से निकलकर दिन रात एक कर अपना पूरा जीवन और अपना परिवार इस पार्टी व मिशन और मूवमेंट के लिए त्याग कर बहन जी ने हम दलितों और पिछड़े समाज को राजनीतिक की मुख्य धारा में लाने का काम किया। साथ ही साथ गरीबों और कमज़ोरों को इतना मान सम्मान दिया कि आज कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे इस वर्ग को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। साथ ही साथ अल्पसंख्यक समाज को उसके हकों के बारे में जागरूक कर इस भारत में भाईचारे के आधार पर एकजुट कर समतामूलक समाज की स्थापना करने की पूरी पूरी कोशिश करी और सर्व समाज को एक ऐसी सरकार देने का काम किया जिसकी कल्पना हमारे गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। साथियों, 39 साल पहले ये पार्टी, ये मिशन, ये मूवमेंट मान्यवर साहब जी ने जब शुरू किया था तो आप सब ने उनका बढ़ चढ़ कर साथ दिया और आप सब भी युवा हुआ करते थे, परंतु समय के साथ साथ
जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ता गया, आप सबकी भी उम्र थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली गई। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बहन जी ने आने वाली पीढ़ी, बोले तो अपने आने वाले भविष्य के लिए, इस मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हम सब, बहन जी ने ये मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया कि आने वाली जो पीढ़ी है वो 50% हिस्सेदारी लेगी हमारे सभी कमेटी के हर स्तर पे। तो साथियों, जैसे जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जितना ज़रूरी हमारे लिए हर स्तर की कमेटी को बनाना है, उतना ही ज़रूरी हमारे युवा साथियों को उन कमेटियों में हिस्सा दिलाना है। साथियों, समय आ गया है कि आप सब बहन जी की तरह ही अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी पार्टी के इस मूवमेंट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपने बच्चों को पार्टी में शामिल कर उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अब कुछ ही समय में लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और वर्तमान की बीजेपी जेजेपी सरकार आपको गुमराह करने के लिए साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल कर सकती है, पर आपको इनकी बातों में ना आकर इनसे इनके कामों के बारे में पूछना है। साथियों, जब आप उनसे इनके कामों के बारे में पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके कामों की लिस्ट बहुत छोटी है और इनकी विफलताओं की लिस्ट बहुत लंबी। पिछले कई वर्षों से बीजेपी जेजेपी की सरकार चल रही है और आज तक भी ना यहाँ गाँवों में पक्की सड़कें बनी, ना यहाँ घरों तक 24 घंटे बिजली पहुँची, ना यहाँ नए स्कूलों का खोलने का काम किया गया, ना यहाँ रोज़गार देने का काम किया गया और ना ही यहाँ पे जाति और धर्म के आधार पर जो दंगे हो रहे थे उन पे लगाम लगाने का काम किया गया। साथियों, आज भी बीजेपी जेजेपी ने सरकारी नौकरियों में SC ST OBC भर्तियों पर रोक लगाकर रखी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी 1,80,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां हरियाणा सरकार में खाली पड़ी हैं। आज BSP कहती है कि अगर हमारी आने वाले विधानसभा आम चुनाव में सरकार बनेगी तो जैसे बहन जी ने अपने शासनकाल में यूपी में सबसे पहले आते ही जो सरकारी नौकरियों में बैकलॉग था उसको पूरा किया, उसको भरा, उसी तरह हरियाणा में सरकार बनने पर सबसे पहले बैकलॉग भरा जाएगा। साथियों, आज भी बीजेपी जेजेपी ने एजुकेशन पॉलिसी यहां पर लागू नहीं करी और तो और इस सरकार ने अपने शासनकाल में 2,500 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का काम किया। साथियों, आज BSP कहती है कि जिस तरह पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज और झांसी में माननीय श्री काशीराम जी पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की थी, उसी तरह यहाँ पर भी हमारे बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स की स्थापना की जाएगी। साथियों, जब हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो कहाँ से नौकरियाँ ले पाएंगे और जब अपने नौकरियाँ नहीं मिलेंगी तो कैसे वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। साथियों, जो इस सरकार ने हमारे बच्चों को पढ़ने से रोका है पिछले 5 से 10 सालों में, इससे इनकी ये जो मनुवादी सोच रखने वाली मानसिकता है वो दर्शाती है। तो आपको इनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना है, इनके ऊंचे लंबे चौड़े वादों को सुन के बहकना नहीं है, इनसे पूछना है कि भाई जो पिछले 10-15 सालों में
एजुकेशन पॉलिसी को लेके आप लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बना के रखा है, उसको आज तक आपने जमीनी स्तर पे लागू क्यों नहीं किया? साथियों, आप सब जानते हैं कि किस तरह से हमारी आशा वर्कर्स लंबे समय से अपने हकों के लिए धरने पे बैठी हैं और इस सरकार ने कितने समय तक उनको नज़रअंदाज किया है। तो साथियों, आज BSP कहती है कि हरियाणा में सरकार बनने पर हमारे आशा वर्करों की सबसे पहले सारी समस्याओं को हल किया जाएगा, उनको उनका उचित समाधान किया जाएगा। साथियों, ये तो है BJP और JJP के हाल, परंतु राजनीतिक स्तर पर एक और नीच गंदी जो हमारे समाज को एक पिछले 50-60 सालों से दबाने की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी भी है। साथियों, कांग्रेस पार्टी आपको कभी भी आपके बीच में आकर अपने काम गिनवाने के काम नहीं करेगी। वो आपको आकर BSP को गुंगराह, हमारे BSP के वर्करों को, समर्थकों को गुंगराह करने के लिए हमेशा सिर्फ एक ही लाइन बोलेगी कि BSP तो BJP की बी टीम है। पर साथियों, जब जब कांग्रेस आपको ये बोले, आपके साथियों को ये बोले, आपको सीधा पलट कर बोलना है, भाई BJP की टीम है या नहीं है, तुम बताओ तुमने क्या काम किया पिछले 50-60 सालों में हरियाणा में। जब आप उनसे ये सवाल पूछेंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी, पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि उनके पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर उनके दिल में जरा सी भी इंसानियत बची होगी तो वो आपको सच्चे दिल से बताएंगे कि किस तरह उनकी सरकारों ने हमारे बाबा साहब को भारत रत्न देने से रोका। वो अगर उनके दिल में जरा सी भी इंसानियत होगी तो वो बताएंगे किस तरीके से उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। साथियों, ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने अपने सारे शासनकालों में हमारे समाज को, बहुजन समाज को, पिछड़े समाज को दबा के रोक के उस पर सिर्फ राज करने का काम किया। साथियों, अब समय आ गया है कि आप भी हरियाणा में BSP की सरकार बनाने के लिए मन मना ले, ठान ले। साथियों, ये इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि जब हमारे लोग, BSP के लोग, बहुजन समाज पार्टी और बहन जी की सरकार को याद करते हैं, UP की सरकार को याद करते हैं, तो वो उन्हें समय याद आता है जब बहन जी ने सावित्रीबाई फूले शिक्षा योजना लागू करी थी, जिसके तहत 7 लाख से ज़्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज़्यादा की लागत हमारी बच्चियों पर खर्च कर हमारी बच्चियों को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए बहन जी ने अपने समाज की बच्चियों के लिए खर्ची थी। उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। साथियों, साथ ही साथ बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। साथियों, इस योजना के तहत बहन जी ने 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की। और साथियों, याद करते हैं वो समय कि किस तरह बहन जी ने सरकारी नौकरियों की भर्ती पर लगी रोक को हटाकर बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज को, सभी ज़रूरतमंदों को, लोगों को नौकरी देने का काम किया था। साथियों, बहन जी ने प्रदेश की व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस,
पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% सीटों की आरक्षण तय की थी। बहन जी ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन करने का काम किया और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का काम किया। साथियों, साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीदे के दाम को भी दुगना कर दिया था और आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से ज़्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। साथियों, अगर मैं ऐसे आपको आंकड़े और आपको पॉलिसी डिसीजन बताने बैठूं तो शायद पूरी रात निकल जाएगी, पर हमें अब समय आ गया है कि हमें अपने बाबा साहब के दिखाए रास्तों पर चलकर, मान्यवर साहब के बताए तरीकों को इस्तेमाल कर और बहन जी के बेबाक अंदाज को अपने दिल और दिमाग से अपनाना होगा। तो साथियों, समय आ गया है कि अब हम सब एकजुट होकर हर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़ने का काम करेंगे और बता देंगे कि हम आ रहे हैं हर एक उस चीज़ के लिए जो इस संविधान में हमारे लिए हमारे गुरु देकर गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अंत में साथियों, एक बार दोबारा मैं अपने सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और जवान युवा साथियों का तह दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ हमारे जवान जबाज BVF साथियों का भी तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे सभी बहुजन मीडिया के साथी लोगों का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारे मैसेज को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का आप जो मेहनत से काम कर रहे हैं, आप सभी का तह दिल से धन्यवाद। हमारे सभी साथी जो हमारे साथियों का, हमारे कैडर के, हमारे सभी लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, आप सभी का भी तह दिल से शुक्रिया अदा। आप सब ने इतनी मेहनत से इस मीटिंग को सफल किया, आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, सबका श्रम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हो काशी राम जी का सपना अधूरा, माया पहना चली करने पूरा, लेके संकल्प आज साथ सर्व समाज, लक्ष्य पे बढ़ती जाए, लक्ष्य पे बढ़ती ही जाए। हो काशी राम जी का सपना अधूरा, माया पहना चली करने पूरा, जन जन का विश्वास सारा देश है साथ, बहना देखो बढ़ती ही जाए, लक्ष्य पे बढ़ती ही जाए। राव जी ने सपना देखा, सब हो एक समान, सभी जाति और धर्म को देश में मिले उचित सम्मान। भीम राव जी ने जो भी चाहा, माया बहना ने बीड़ा उठाया, अपना फर्ज निभाए, वो लक्ष्य पे बढ़ती जाए, अपने
पर निभाए वो लक्ष्य पे बढ़ती ही जाए। माया बहना माया बहना माया बहना सच करके दिखलाएगी वो हर एक सपना। काशी राम जिन बहना को कांटों पर चलना सिखाया, निर्भय होकर चली बहन कांटों में फूल खिलाया। हर मुश्किल आसान बनाई, सर्व समाज में चेतना लाई। नीला ध्वज लहराए वो लक्ष्य पे बढ़ती जाए। नीला ध्वज लहराए वो लक्ष्य पे बढ़ती।